पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्यक्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया, सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती? यही सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन। इसको ना पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वाशिंगटन स्थित नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित किया और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के पीछे राहुल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई को एक बड़ी वजह बताया। एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने दावा किया कि विपक्ष एकजुट हो रहा है और हम अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की राह आसान नहीं होगी। आई थिंक द कांग्रेस पार्टी विल डू वेरी वेल इन द नेक्स्ट इलेक्शन। आई थिंक इट विल सरप्राइज पीपल बिकॉज़ आई थिंक देयर इज अ hidden undercurrent building and I think we'll surprise people and I'm not entirely convinced about this idea that Mr. Narendra Modi is going to win the 24th. I think it's not as simple as people make out. If you just do the math, a united opposition will defeat the BJP on its own without any, you know, electoral math. महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल अचानक उस वक्त बढ़ गए जब एक साथ दो अहम मुलाकातों की खबरें सामने आई। पहली एनसीपी चीफ शरद पवार की सीएम शिंदे से मुलाकात, जिसके कुछ देर के बाद शरद पवार के आवास पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे उद्योगपति गौतम अडानी। शरद पवार ने अडानी से मुलाकात की, हालांकि इसे अभी टेक्निकल कहकर टाल दिया जा रहा है। ये मुलाकातें ऐसे वक्त में हुई जब उद्धव ठाकरे विदेश दौरे पर है। शरद पवार साहेब त्यांच्या काही व्यक्तिगत कामासाठी माननीय मुख्यमंत्र्यांची भेट घ्यायला आणि शेवटी मुख्यमंत्री सर्वांची आहे, पवार साहेबांची मुख्यमंत्री आहे, तुमचीही आहे, माझीही आहे, त्यामुळे एखाद्या नेत्याला काही प्रश्न समस्या याबद्दल चर्चा करायची असेल तर जाण्याचा अधिकार आहे, पण यातून काही नवीन युती जन्माला येईल असा कृपया कोणी विचार करण्याचं काहीही कारण नाही। पण वेगळा अर्थ लावला असते, उद्धव ठाकरे परदेशात आहेत आणि शरद पवार भेटत आहेत, सगळं मग स्वागत आहे, तशासाठी काम का भेट होणार असेल तर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद में केंद्र सरकार की ओर से जारी अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटा रहे हैं। केजरीवाल की प्लानिंग है कि इस बिल को राज्यसभा में निरस्त करवा दिया जाए। केजरीवाल पिछले 10 दिनों से कई विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, अब तक 7 नेताओं से मिले हैं, समर्थन हासिल भी कर चुके हैं और कल की मुलाकात में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से उन्होंने मुलाकात की थी। समर्थन का भरोसा भी एमके स्टालिन से अरविंद केजरीवाल को मिला है। यौन शोषण मामले में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों की लड़ाई को लेकर आज का दिन बड़ा हो सकता है, कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है। कुरुक्षेत्र में होने वाली महापंचायत में आज किसान नेता आगे की रणनीति बताएंगे। कल मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत में फैसला सुरक्षित रख लिया गया। पहलवानों के मसले पर राष्ट्रपति से मुलाकात का प्लान है। आंदोलन की रूपरेखा के साथ ही आज ये भी बताया जाएगा कि खाप प्रतिनिधि इस मसले पर किन किन नेताओं से बातचीत करने वाले हैं। पहलवानों का जो प्रोटेस्ट दिल्ली में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शुरू हुआ था, वो अब देश के कई शहरों तक फैल गया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ परगना में महिला संगठन ने विरोध मार्च निकाला, वहीं हरियाणा के हिसार में 40 से ज्यादा किसान संगठनों ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। उधर रोहतक में भी महिला पहलवानों के समर्थन में आवाज बुलंद हुई। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खाप पंचायतों की बड़ी बैठक होनी, जिसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन की रणनीति बनेगी। ये अत्याचार है, कानून ये कहता है कि पॉक्सो धारा में गिरफ्तारी पहले हुई है और जांच बाद में। इससे पहले कल मुजफ्फरनगर में खाप पंचायतों के प्रतिनिधि की बैठक हुई,
जिसमें तय किया गया कि पहलवानों की लड़ाई को तब तक नहीं खत्म होने दिया जाएगा जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। उनको हताश होने की जरूरत नहीं, ये आंदोलन, ये लड़ाई ही लड़ी जाएगी। विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बयान पर अड़ीग। वो बार बार कह रहे हैं कि दोषी साबित हुआ तो बगैर किसी से कुछ कहे फांसी पर लटक जाएंगे। अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह के अपने दावे, लेकिन पहलवानों ने साफ कर दिया कि उन्हें ब्रजभूषण की गिरफ्तारी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। मुजफ्फरनगर से श्रेया के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में पहलवानों के समर्थन में टीएमसी का प्रदर्शन लगातार जारी है। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कैंडल मार्च निकाला। ममता बनर्जी ने पीड़ित महिला के पहलवानों से अपील की कि वो इंसाफ के लिए अपनी इस लड़ाई को जारी रखें और इस लड़ाई के बीच में लड़ाई को बीच में ना छोड़े। ममता बनर्जी ने कहा कि पहलवान जो भी फैसला करेंगे उसके मुताबिक टीएमसी प्रदर्शन जारी रहेगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में पहलवानों के समर्थन में मां गंगा में अर्जी लगाए और उन्हें न्याय दिलाने की प्रार्थना की। हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, ब्रजभूषण सिंह को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाया। रावत ने कहा कि पहलवानों को न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखेंगे। इन खिलाड़ियों को जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारा सम्मान बढ़ाया, भारत का सम्मान बढ़ाया, तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है, उनको अपने पदक आपके आंचल में विसर्जित करने की जो व्यथा झेलनी पड़ रही है, हम उसे बहुत दुखी हैं और आप न्याय दो, इस सरकार को अकल दो कि ये सरकार उनकी बात को सुने और महिला खिलाड़ियों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय जो पहलवान है उनको जो है न्याय प्रदान करें और जो दोषी है उनका उस दोषी को दंडित करें। मणिपुर में जातीय हिंसा के बाद से शांति बहाली के प्रयासों में लगी भारतीय सेना ने उसकी छवि को खराब करने वाले सोशल मीडिया संदेश का जवाब दिया। बयान में कहा गया है कि उसके सभी रैंक, नस्ल, जाति, पंथ और लिंग से परे हैं। ट्विटर और फेसबुक पर मणिपुर हिंसा को लेकर शेयर की जा रही एक पोस्ट में दरअसल एक विशेष समुदाय विशेष के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए। भारतीय सेना ने साफ किया कि जिन अधिकारियों को बदनाम किया जा रहा है उन्हें मणिपुर में उन्होंने रातों में बगैर खाना खाए, बगैर सोए, बगैर पानी पिए हजारों लोगों को उन्होंने बचाया। महाराष्ट्र के जालना में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 9.5 मीटर की एक सड़क तैयार की गई। अब 6 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम भी पूरा हो चुका है, लेकिन विवाद उस वक्त खड़ा हुआ जब पॉलिथीन के ऊपर डामरीकरण की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तस्वीरों में कुछ लोग नई नवेली सड़क के नीचे से पॉलिथीन खींचते नजर आ रहे हैं और पॉलिथीन के ऊपर की गई डामरीकरण की पतली लेयर पॉलिथीन के साथ खींचते चले जा रहे हैं। हेमकुंड रोड खाली हुआ, डामर काम खाली हुआ, लोड टिपर खाली होते ही उसका टेम्परेचर 165 था। अब टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, धूप का सीजन होने की वजह से टेम्परेचर डाउन होने के लिए 2-3 घंटे का टाइम लगता है। जैसे ही लोड खाली हो जाता है उसके बाद में हम रोल्ड करते हैं उसको और लेवल करके रख देते हैं। उस पीरियड के अंदर कुछ 4-5 नागरिकों ने आकर वो मैटिंग को, जबकि वो कॉन्क्रीट मेरा सेट नहीं हुआ है, सेट होने के लिए काफी टाइम लगता, ठंडा होने के बाद में फिर रोल्ड किया जाता तो उसके बाद में प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन कुछ लोगों ने आके वो मैटिंग को शतरंज की जैसा गीलेपन में ही उठा दिए, तो इसमें मेरा दोष नहीं। हेमकुंड साहिब में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। गुरुवार को 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उन्हें 4 किलोमीटर तक बर्फीले रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है। हेमकुंड साहिब में 8 से 10 फीट तक बर्फ जमी हुई है। ऑक्सीजन की कमी के बावजूद यात्रियों में उत्साह में कोई कमी नहीं है। हालांकि बुजुर्गों और बच्चों को यात्रा पर न आने की ही हिदायत दी गई है।